देखो आप बहुत देर से बैठे हो और मेरे से पहले जो बोले हमारे अध्यक्ष जी बोले, पंडित कुलदीप शर्मा जी बोले, दीपेंद्र बोले, उन्होंने सारी बात बता दी। मैं समझता हूं आज कोई बात बताए ना बताए सब समझते हैं कि हरियाणा कहां पहुंच गया। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। मैं ज्यादा उसका चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरे दिल में तीस है उस बात की जरूर मैं बात कहूंगा कि आज क्या हो रहा है हरियाणा में। हरियाणा में भाई अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, फिर क्या होगा? और भाई कहीं जाओ तो सड़क टूटी पड़ी है। कोई भी ऐसा काम नहीं किया 9 साल में सरकार ने जो जिसकी मैं प्रशंसा कर सकूं, जिसको मैं अच्छा कह सकूं। अरे रोड़ा मत करो भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, 2 मिनट बैठो, 2 मिनट। तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी मैं प्रशंसा करूं, एक भी। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, अच्छा काम करते तो मैं कहता अच्छा करा, लेकिन 30 किस बात की है? 30 किस बात की है मेरे को कि जो 2014 में मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में जो हरियाणा नंबर वन था पूरे हिंदुस्तान में, आज कहाँ है? आज किस चीज में नंबर है? नंबर एक है। आज नंबर एक है बेरोजगारी में, महंगाई में और अपराध में ऊपर पहुंच गया। और भाई आप देख रहे हैं नौकरी का तो कोई मामला ही नहीं। कहीं एक कौशल रोजगार योजना बना रखी है, निगम बना रखा है, कच्ची नौकरी, ना उसकी पेंशन ना और कोई गारंटी। 2 साल रखें, 1 साल रखें, 3 साल रखें, हम ठेकेदारी सिस्टम बंद करने में थे, ये ठेकेदार लगाने, खुद ठेकेदार बन गई सरकार। और इसी तरह केंद्र सरकार ने ये अग्निपथ चला दी कि 18 साल का बच्चा फौज में भर्ती होगा और 22 साल का घर आ जाएगा। अरे फिर कौन उसकी सगाई करेगा, कौन उसका ब्याह करेगा भाई बताओ? हाँ बच्चा जाए फौज में भर्ती होता तो होता, जब कहते भाई हाँ फौज में है, पेंशन आओगा, तरक्की करेगा, अच्छा अच्छा उसको मिलता, उसके बच्चे पढ़ते। तो ऐसा काम कर दिया, 2 लाख आज हरियाणा में स्थायी पद जो नौकरी है वो खाली पड़ी है। और ठीक कहा दीपेंद्र ने कि जब देखता हूं लिस्ट आते हैं तो हरियाणा के बच्चे नहीं लगते, बाहर के आके लगते हैं भाई अच्छी अच्छी नौकरियों पे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।